हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेज में। तो आज हम आपके लिए लाए आवर्त सारणी का पार्ट दो। पहले भाग में हमने बताए थे मेंडलीफ का, जो न्यूलैंड का और मोजले का जो आवर्त सारणी वो, तो और फर्स्ट पार्ट में बताए थे हम आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप में एस ब्लॉक एलिमेंट यानी वर्ग 1-2 और पी ब्लॉक एलिमेंट वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक ही एलिमेंट को क्या कहता है? संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्री डी श्रेणी जो कि ये होते हैं आपका चौथे आवर्त में होते हैं। और थ्री श्रेणी जो क्रमांक होता है 21 से लेकर 30 तक वाले जो तत्व होते हैं थ्री डी श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। ये हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। तो इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं आपका शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो देखते हैं शक्तिवान, तो इसमें होगा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम और भी वन हो गया वेनेडियम। शक्तिवान मतलब हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। करे सीआर क्रोमियम, मना एमएन मैग्नीज, फिर एफई लोहा या आयरन, कौन सीओ कोबाल्ट, निकाले एनआई निकेल, कुएं सीयू कॉपर और से जान जेड एन यानी जिंक। तो इस तरह थ्री डी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व होता है क्रमांक से 21 से 30 तक वाले तत्व क्या था? शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। तो अब देखते हैं हम रखते हैं एस सी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इस तरह देख लिया हम प्रथम जो संक्रमण श्रेणी तत्व। अब हम देखते हैं फोर डी श्रेणी जो होते हैं फिर पांचवें आवर्त में होते हैं और क्रमांक होता है 39 से 47। तो देखते हैं जो पांचवें आवर्त में होते हैं 39 से 48 तक वाले तत्व, ये होते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्व। तो इसका हम ट्रिक देखते हैं यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राय परी आगे कूद। इसमें देख लेते हैं यारी वाई, जरा जेड आर जिरकोनियम, निभा एनवी नायोबियम, मौत एमओ मोलिब्डेनम, तक टीसी टेक्नियम, रुकावटे आर यू रदरफोर्डियम, राहें आर एच परी पी डी हो गया प्लेडियम, आगे चांदी एजी पूज सी। तो क्या होगा यारी जरा निभा मौत तक रुकावटे राहे परी आगे कूद, यानी यारी होगा वाई जेड आर नायोबियम एमओ टी सी आर यू आर एच पी डी एजी और ये। ये तीनों आपका महत्वपूर्ण है, प्लेडियम और चांदी और कैडमियम। अब देखते हैं हम यारी जरा निभा
मौत तक रुकावटें राह परी आगे पूर्व। अब देखते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व जो होते हैं 5D और ये होते हैं आपके छठे आवर्त। ऐसा क्रमांक बता पा 57 तथा 72 से 80। यहाँ पर 57 होता है, उसके बाद जो होता है 58 से जो 71 होता है एफ वाला एलिमेंट, यहाँ पर क्या होता है निकल के यहाँ जो लेंथेनाइ श्रेणी होता है तो यहाँ पर क्या होता है लेंथेनम, लेंथेनम के बाद जो निकलता है ये इसी के लिए कहते हैं इसको लेंथेनाइ। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं ला हप्ता वर्णा रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। तो फिर ला हो गया एल ए हफ एच एच एफ ता टी ए वर्ण डब्लू रोज आरी और ओ एस ऑस्मियम इधर आई आर पीटूंगा पी टी और ए यू और हराऊंगा एच टी। तो इसमें सबसे प्रमुख देखते हैं हम ये लेंथेनम टंगस्टन ऑस्मियम प्लेटिनम सोना और मरकरी, ये सब इसमें प्रमुख धातु हैं। तो इसमें देखते हैं आपका ये लेंथेनम यहां आपका 57, उसके बाद यहां से क्या होगा आपका 72, 73, 74 होगा है, 57 के बाद 58 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा 58 से जो 71 तक ये 4F सीरीज जो होता है लेंथेनाइ श्रेणी, चूंकि ये लेंथेनम के बाद होता है इसलिए इसको हम कहते हैं लेंथेनाइ सीरीज। तो देखते हैं ला अब ता वर्णा रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। देखते हैं हम कुलवा के बताएंगे 11 वर्ग में कॉपर चांदी और सोना आता। अब हम देखते हैं दो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तत्व, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तत्व जो होते हैं 6D और ये होते हैं 7वें आवर्त। इसका जो क्रमांक होता है 89 तथा 104 से 112 तक जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी तत्व होते हैं जो होते हैं 6D और ये 7वें आवर्त में होते हैं, क्रमांक होता है 89 और उसके बाद 104 से 112 तक। आगे हम देखते हैं इसका ट्रिक आइंस्टीन रदरफोर्ड डूब गए सब बोर हस्त मत डॉक्टर रघु कान खींचेगा। हम देखते हैं आइंस्टीन एसी रदरफोर्ड आरएफ डूब डीवी डूब गए डीवी सब एसजी बोर बीएच हस एच एस मल एम टी डॉक्टर
डी एस रघु आर जी और कान खींचेगा सी एन। तो आइंस्ट ये होगा आपका आइंस्ट एक्टिनियम। इसलिए जो एक्टिनाइड यहां से जो भी होता है तत्व 90 से 103, क्योंकि 89 के बाद स्टैंड होता है एक्टिनियम के बाद, इसलिए इसको क्या कहता है एक्टिनॉइड। तो ये देख लेते हैं ये जो आपका क्रमांक है 112 देखते हैं हम, यहां पता है 89, उसके बाद क्या होता है आपका 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 111, 112। इन तत्वों का नामकरण हो चुका है, परंतु जो अन्य तत्व इनका नामकरण नहीं हुआ, लेकिन इनका नामकरण लिखने के जो आईपीयूएसी IPF जो नाम होता है उसका लिखने के लिए जो ये ट्रिक है वो हम देखते हैं। अब देखते हैं 113, 114, 115, 116, 117, 118 जो तत्व है उनका नामकरण कैसे करते हैं। इनके लिए याद रखना है, 0 के लिए N देना संक्षिप्त रूप, 1 के लिए U, 2 के लिए B, 3 के लिए T, 4 के लिए Q, 5 के लिए P, 6 के लिए H, 7 के लिए S, 8 के लिए O और 9 के लिए E। तो हम देखते हैं ये 111 यानी 111 है, तो क्या होगा आपका UUU, पहला U आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे उसके बाद स्मॉल लेटर में UUU। अब 112 है तो मतलब UU, और दो का क्या होता है देखते हैं B, तो UUB। अब 113 देखते हैं तो क्या होगा, एक के लिए U, फिर एक के लिए U और तीन के लिए आपका T, फिर 114 जो तत्व देते हैं उसके लिए U, फिर से U और चार के लिए क्या होगा आपका Q, और फिर देखते हैं 115 तो एक के लिए U, फिर एक के लिए U और पांच के लिए P, और फिर 113 से होगा। तो 113 क्या होता है देखते हैं, UUT, और फिर देखते हैं 114 UU 4 का Q, फिर 115 UU और P, फिर 116 UU क्या होगा आपका H, फिर 117 UU H आपका S, फिर 118 है UU 8 का O। तो इस तरह जो 113 से जो अधिक तत्वों का नामकरण अभी नहीं हो चुका तो उनका नाम जो IPF नाम इस तरह से लिखा जाता है, इसके लिए ये आपका टेबल है। यानी 119 का कोई तत्व होता मान लिया जाए तो क्या होगा इसका आपका 111 E होता, सॉरी UU E होता। अब हम देखते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। अब हम देखते हैं F ब्लॉक एलिमेंट, इसको कहते हैं अंतःसंक्रमण तत्व, या इसी को कहते हैं बेरर मेटा धातु, या दुर्लभ एफ ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं अंतःसंक्रमण तत्व, या विरल मृदा धातु या दुर्लभ मृदा धातु, खास करके लेंथेनाइट। अब हम देखते हैं पहला आपका 4F सीरीज जो होते हैं लेंथेनाइट, जो क्या बताए थे लेंथेनियम के बाद यानी 57 के बाद ये 58 से 71 तक, जो कि छठे आवर्त में
लेंथेनाइड, इसलिए लेंथेनाइड इसका नाम पर आ चुकी है लेंथेनम, यानी 57 के बाद यानी 58 से लेंथेनम के बाद है, इसलिए इसका नाम लेंथेनॉइड है। 4F सीरीज इसका क्रमांक होता है 58 से 71 तक। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रिक, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लौट आई, हम देखते हैं इसका नाम सीने, सी पर पी आर नदियां, एन डी प्रेम, पी एम प्रेम की समाई, एस एम यूं, ई यू गदगद, जी डी तब, टीवी दिल, डी वाई हुआ, एच ओ अरे तुम यू ही लौट आई। देख लेते हैं सीने पर, इसका सीने पर नदियां, प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू ही लौट आई। तो इधर सीने, सी पर पी आर नदियां, एन डी प्रेम, पी एम समाई, एस एम यू, ई यू गदगद, जी डी तब, टीवी दिल, दिल के लिए देखे इस तरह से हम समझते हैं, दिल लिख लेते हैं ऐसे, दिल समानता लिखा था इस तरह से, तो डी वाई हुआ, अरे तुम यू ही लौट आई। तो देखते हैं ये आपका क्रमांक था 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 क्रमांक। तो देखते हैं सी पी आर एन डी पी एम एस एम ई यू जी डी टी वी डी वाई एच ओ ई आर टी एम ई यू और एल यू। अब हम देखते हैं जो 5F सीरीज है, ये 5F सीरीज जो कहलाता है एक्टिनॉइड, जिनका क्रमांक होता है 90 से 103 और ये सातवें आवर्त में होते हैं, सातवें आवर्त। 5F सीरीज जो सातवें आवर्त में होते हैं, बताए थे एक्टिनियम के बाद होता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिनॉइड, जो 104 से लेके 103 90 के बाद जो होता है, यहाँ जो 20 से निकला 90 से लेकर 103 उसका यहाँ पर आपका था 58 से 71। तो यहाँ पर क्या हो गया 90 से, अब हम देखते हैं यू ही वाई, यू ही होगा वाई। अब देखते हैं जो यू ही था, यू ही का याद रखेंगे वाई भी होता, वाई बी। अब हम देखते हैं जो 5F सीरीज टेम्पो पर उनकी नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली कड़की, एहसान फरामोश।
मंद बुद्धि नौकर लड़का। हम देखते हैं आज टेम्पो पर टी एम पर पी ए उनकी यू नजर एन। तो देखते हैं टेम्पो टी एच पर उनकी नजर परी। आसमान एम सिमटा सी एम सब लिखल है। करगी एहसान फरामोश मंद बुद्धि नौकर लड़का। इस तरह से जो होगा 5F3 क्या टेम्पो पर उनकी नजर पड़ी। आसमान सिमटा बिजली करगी एहसान फरामोश मंद बुद्धि नौकर लड़का। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण है थोरियम टी एच और यूरेनियम यू आर क्या 92 और 92 थोरियम और यूरेनियम। तो हम देखते हैं टी एच पी ए यू एन पी पी यू ए एम सी एम ई के सी एफ ई एस एफ एम एम डी एन ओ और एल आर। तो इस तरह जो था 5F3 जिसमें आपको याद रखना 90 और 92 दो महत्वपूर्ण तत्व है थोरियम और यूरेनियम जिसका परमाणु क्या था ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट आज जो आज महत्वपूर्ण था आवर्त सारणी का दूसरा क्लास पूरा आवर्त सारणी आपको बता चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लाएंगे आवर्त सारणी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं और जो परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं वो सभी तत्व बताएंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए सोना किस वर्ग में है और किस आवर्त में है तो आप सेकंडो में इसका आंसर दे सकते हैं सोना किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। तो याद होगा इसमें अभी ट्रिक याद किए थे ना यार 71-72 इस तरह से आप उस समय काउंट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से भी हम किसी भी तत्व के बारे में हम बता सकते हैं वो किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। और कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है आपका SN किस वर्ग में ना तो उस समय हम क्या होगा जो हम आपको पीछे बताए किस वर्ग में है कहे शिव जी सुनो पार्वती याद होगा इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ और बता देते हैं जो महत्वपूर्ण है HG तो यहाँ पर जो भी आपको काला अक्षर से दिख रहा वो आपका धातु है जो भी ब्लैक अक्षर में है वो आपका धातु है। मेटल और जो आपको रेड अक्षर में दिख रहा वो था उपधातु यानी मेटालॉइड और जो आपका ब्लू सॉरी ये जो था ये भी धातु है यहां पर जितना आपका धातु इसको क्या ब्लू रंग से लिखा गया लेकिन ये सभी धातु है यानी ब्लैक अक्षर से लिखे थे तो जो भी इसको छोड़ के ये सभी धातु है। इधर ब्लू रंग में जो भी दिख रहा आपका ब्लैक में सॉरी ब्लू यानी नीला रंग वो आपका है अधातु यानी नॉन मेटल। और ग्रीन अक्षर में यानी हरा जो दिख रहा वो आपका द्रव अवस्था तो जो हरा दिख रहा जिसे देखते ब्रोमीन और पारा तो ब्रोमीन क्या है अधातु के बीच में है तो द्रव अवस्था में रहने वाली जो अधातु है ब्रोमीन और द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है वो है पारा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे इसी तरह से सभी महत्वपूर्ण जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे वो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।